राजधानी में अपराधियों का तांडव जारी है। मामला है पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के बेगमपुर स्थित पीपल तल इलाके का, जहां रात के अंधेरे में अज्ञात अपराधियों ने एक 25 वर्षीय युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान बेगमपुर स्थित पीपल तल निवासी अजय कुमार के रूप में किया है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बताया जाता है कि मृतक अजय घर अपने घर से निकलकर कहीं जा रहा था। घात लगाए अपराधियों ने अजय कुमार का पिस्टल से हमला कर दिया, जहां अजय कुमार को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से उसे आनन फानन में इलाज के लिए NMCH ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया है और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। अजय की हत्या किस कारण हुई है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिहार न्यूज लाइव एंकर निधि सिंह के साथ पटना सिटी से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। अजय कुमार का और डेड बॉडी यहाँ पर है ही। अब डेड बॉडी भेजा जा रहा है, किस कारण मर्डर हुआ इसका कुछ अभी पता नहीं। हाँ, एक गोली लगी है, एक गोली लगी है, ये सर में गोली लगी है। नहीं, अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। हाँ, अभी तक तो अज्ञात ही है। मृतक का नाम अजय कुमार है। ये होटल में गार्ड की नौकरी करता था। ये भी 6 महीने जेल में रह के आए हैं। हमको लगता है कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है इनका। जो है 6 महीने जेल में रह करके 5 महीने पहले ही आए थे।